नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से अपने बगीचे में हूँ। इस टाइम पे शाम के बज रहे हैं 5 और इस टाइम पे हमारे बगीचे में है धूप चली गई है, कोई धूप नहीं है इस टाइम पे मेरे बगीचे में। तो इस टाइम पे मैं आ रखी हूँ यहाँ पर और इस टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा पुदीना कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पर। और ये मेडिसिनल प्लांट है, ये दवाइयों के बहुत काम आता है। इसका घर में हम अपने इसके चटनी बनाने के काम में लेते हैं। इसको ठंडा बनाना हो, जैसे ठंडा पानी बनाना हो हमें इसका पानी, जलजीरा जैसे हम बनाते हैं, तो इसे बहुत काम आता है इसमें। और ये इसकी तासीर जो है ठंडी है, तो इस टाइम गर्मियों में बहुत हमारे को हर चीज़ में हम इसको काम में लेते हैं। तो ये देखिए मेरा पुदीना का आप देखेंगे पूरा एक टब मेरा पूरा, देखिए ये टूटा हुआ मेरे घर से निकला था ये टब, ये देखिए तो इसी में मैंने लगा रखा। और ये देखिए कितना अच्छा ये हो रखा है। तो ये मैं तो आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी जो मैंने आप जब मैंने इसे मिट्टी बनाई थी, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था मिट्टी में, सिर्फ मैं गोबर जब मैंने शुरू शुरू में ही जब मैंने मिट्टी बनाई थी तो मैंने गोबर इसमें के डाला था, सूखी गोबर की खाद वही मैंने इसमें डाली थी। और उसके बाद मैंने मिट्टी मिलाई थी और बाकी जो हम मिलाते हैं ये नीम खली और बोन मिल, ये सब मैंने मिला के मिट्टी बनाई थी। पर मैंने खाद जो डाली थी वो मेरी गोबर खाद थी, तो उसी से मेरा देखिए कितना अच्छा हो रखा है। और अब इसमें कोई खाद वाद मैंने अभी तक कुछ नहीं डाली है, खाद बस मैं डालती हूँ जो मेरे किचन से निकलता है, चावल और दाल का पानी जो मेरा धो के जो चावल और दाल का पानी धो के जो निकलता है उस पानी को मैं इसमें डालती हूँ। तो उसी से ही मेरे देखिए कितना अच्छा मेरा आपको दिखा देख ही पा रहे होंगे आप कि देखिए मेरा ये देखिए पुदीना कितना अच्छा इसमें हो रखा है और कितना अच्छी देखिए। और खुशबू इतनी है कि मेरे बगीचे में पूरे में इसकी पुदीने की खुशबू बनी रहती है, और एक बार ऐसे हाथ फेर दो तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो ये बहुत ही, और इसके पत्ते देखिए, इसके पत्तों का साइज़ देखिए, और इसके जो पत्ते हैं इसके ग्रीन देखिए कितना ग्रीन पत्ते हैं इसके। तो आपको मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जब मैंने किस तरीके से मैंने पुदीना लगाया। ये वाला पुदीना जो है मेरी फ्रेंड के घर से मेरे 2-3 कटिंगें लेके आई थी, वो मैंने यहाँ पे लगाई थी। तो वो और दूसरी जगह जो मैंने पुदीना लगाया था, तो मैं मार्केट से पुदीना खरीद के लेके आई थी, उसकी मैंने कटिंग लगा दी थी और पानी में भी ग्रो नहीं किया था। पानी में भी हम अगर पुदीने की जो डंडियाँ होती हैं अगर पानी में भी हम डाल दें तो वो पानी में भी उसकी जड़ निकल के आ जाती हैं, छोटी छोटी सी जड़ें निकल जाती हैं एक हफ्ते के अंदर, और उसको फिर मिट्टी में हम लगा देंगे तो वो भी हमारा पुदीना हो जाता है। परंतु मैंने वो पुदीना इस तरीके से नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्ट पुदीने की पत्तियाँ हटा के और डंडियाँ सारी की सारी अपने गमले में मैंने लगा दी थी। वहाँ पर भी मेरा एक छोटा सा मेरा है पॉट मेरा रखा हुआ है, जिसमें पीछे की तरफ को जो मेरा गार्डन है उसमें भी मैंने पुदीना लगा रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस वहाँ पे मैंने इस तरीके से लगाया था। तो यहाँ पे पुदीने का देखिए मेरा पूरा भंडार, देखिए कितना सारा पूरा का पूरा मेरी देखिए ग्रोथ देखिए इसकी आप, ये देखिए साइज़ देखिए इसका, ये देखिए पत्तों का साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज़ है इसमें देखिए। तो ये ही मेरे इस तरीके से मैंने लगा रखा था ये। और पुदीने को हम जितनी इसकी कटिंग करते हैं ना उतना ज़्यादा ये फैलता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप जितनी इसकी कटिंग करते रहेंगे साइड साइड से आप निकालते रहेंगे तो साइड साइड से हमारा जो है इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होती रहेगी। तो ये मेरे को देखने में ही बहुत सुंदर लगता है, तोड़ने में तो मेरा मन करता है क्या तोड़ना है, परंतु बहुत ही सुंदर लगता है देखने में देखिए। और बगीचे में खुशबू से तो इतना महकता है मेरा यहाँ पर बगीचा, इसकी वजह से हमारे पुदीने की वजह से इसकी ये जो है पुदीना है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो पूरे मेरा जो बगीचा है इसकी खुशबू से महकता है यहाँ पर। तो ये देखिए आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छी है मेरा यहाँ पे ये पुदीना हो रखा है। ये देखिए पूरा का पूरा ये सारा मेरा पुदीना है, पूरा टब मेरा पुदीने से भरा हुआ है। ये देखिए ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, बस ग्रोथ का यही है कि मैं इसमें सिर्फ अपने किचन से निकला हुआ जो लिक्विड मेरे चावलों का और दालों का पानी निकलता है सिर्फ मैं वही डालती हूँ इसमें खाद के तौर पे। इस टाइम पे जो लिक्विड है वही मेरा इसमें जाता है और बाकी मैं पानी डेली के डेली पानी डालती हूँ इसको। पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है और धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो दोनों चीज़ ही इसको चाहिए। इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मिट्टी एकदम इसकी गीली है और ऐसी मिट्टी बनी है कि पानी एकदम डालें और हमारा पानी आराम से नीचे से निकल जाए, ऐसी मिट्टी बनानी है। ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी मेरी बनी हुई है इसकी, तो ऐसी मिट्टी बनानी है और मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, मिट्टी हमेशा इसकी गीली रहे इस तरीके से ही, हमें इतनी गीली नहीं कि बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाए, बिल्कुल हल्की सी इसके जो है
ये देखिए इस तरीके की होनी चाहिए मिट्टी, थोड़ी थोड़ी गीली गीली रहनी चाहिए। देखिए तो अब इसमें पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है, पानी भी डालना है और धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो दोनों चीज़ की ही इसमें ज़रूरत होती है। और गर्मियों में ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है, सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, तो ख़त्म तो नहीं होता। अगर इसमें कम पानी हम सर्दियों में डालेंगे तो ये फिर भी सर्दियों में फिर भी चलता है हल्का हल्का, पर तो गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही होती है। तो मैं आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ, जो दूसरी साइड मैंने लगाया है डंडियों के से लगाया है, ये मेरी कटिंग से लगा हुआ है, और वहाँ पर जो है मेरा डंडियों से जो मेरे मार्केट से पुदीना लेके आई थी वो वाली डंडियाँ मैंने ग्रो करी थी, वो उसका मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका देखिए वो भी कितना अच्छा उसका रिजल्ट है, वो भी मैं दिखाती हूँ वो कितना वो भी घना है बहुत। चलो फिर मैं ये पीछे की तरफ को आ गई हूँ, अपने पीछे जो मेरा गार्डन है वहाँ पे आ गई हूँ, तो वहीं पर ही वहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ कि दो दो जगह मैंने अपना पुदीना ग्रो कर रखा है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी मेरा पुदीने की जो ग्रोथ है ये देखिए कितनी बढ़िया हो रखी है। वहाँ पर जो है वो ज़्यादा डार्क कलर का पुदीना है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का है पुदीना है ये मेरा, और ये मैं बाज़ार से लेके आई थी, इसकी मैंने डंडियाँ लगाई थी, तो देखिए डंडियाँ से मेरा कितना अच्छा यहाँ पे भी मेरा कितना बढ़िया मेरा पुदीना हो रखा है, दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी हो रखी है, यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। तो आप लगा सकते हैं कि वहाँ आगे वाली बालकोनी का पुदीना और ये वाला पुदीना देखिए मेरा कितना अच्छा महक रहा है, देखिए कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पे भी ये पुदीना। तो इसी तरीके से मेरा पुदीना लगा के मैंने पुदीना लगाया हुआ, इसकी चटनी मैं बनाती हूँ तो यहीं से ही निकालती हूँ चटनी बनाने के लिए, या मेरे को कुछ शरबत बनाना है यानी कि जो जलजीरा बनाते हैं जैसे हम, तो यहीं से ही मैं लेके जाती हूँ, यहीं से मैं बनाती हूँ, तो बहुत ही खाने में भी खुशबू आती है। अगर हमें पुलाव बनाना होता है तो इसमें दो चार पत्ती पुलाव में भी डाल दो तो पुलाव में भी बहुत अच्छे तरीके से खुशबू आती है पुदीने की। तो अगर हमारे पेट में दर्द है गैस हो रही है तो इसकी दो तीन पत्तियां हम खा लें चबा चबा के खा लें, तो उससे भी हमारा जो गैस में हमारे जो पेट में गैस बन जाती है वो भी हमारी ख़त्म हो जाती है, पेट का दर्द इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ये काम आता है हमारा पुदीना, पेट दर्द में भी बहुत काम आता है। जैसे हम पुदीने की गोलियां खाते हैं ना, पहले जब हम छोटे थे तो पेट में दर्द होता था तो मम्मी पुदीने की गोलियां देती थी, या लिक्विड हमारा पुदीने का जो पुदीने की लिक्विड दवाई आती थी वो मम्मी एक एक चम्मच देती थी तो बहुत कड़वा होता था। परंतु अब हम जो है ये हमें अब पता चल गया कि पुदीने की पत्तियाँ दो पत्तियाँ खा लें तो उससे भी हमारा दर्द हमारा जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारा ये पुदीना। तो अपने घरों में आप भी पुदीना ज़रूर लगाएं। तो देखिए मैंने तो किस तरीके से लगा रखा, और देखिए यही मेरा जो है बाज़ार से लाया हुआ जो डंडियां बच गई थी वो मैंने लगाई थी तो उसी का ही मेरा ये रिजल्ट है, और देखिए कितना अच्छा मेरा पुदीना हो रखा है ये देखिए। और आगे का तो मैंने आपको दिखाई दी थी, आगे के बालकोनी में भी देखिए कितना अच्छा मेरा पुदीना हो रखा है, तो यहाँ पर देखिए बस। तो फिर आपको भी अगर पुदीना अपना ग्रो करना है पुदीना लगाना है तो बाज़ार से दो तीन एक गट्ठी पुदीने की लेके आएं और उसकी पुदीने के पत्ते हटा लें, पत्ते का आप चटनी बना लें या फिर उसका जो भी ठंडा आपने बनाना है ठंड शरबत बनाना है या कुछ या फिर जलजीरा बनाना है, वो सब बनाने के बाद जो आपके पास डंडियाँ रह जाएंगी इस तरीके की मोटी मोटी डंडियाँ रह जाती हैं इस तरीके की, ये देखिए ऐसी डंडियाँ अगर आपके पास रह जाती हैं तो उनको आप मिट्टी में ग्रो कर लें और बस उसके बाद वो पानी देते रहें आप, तो फिर आपका बराबर मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए पर मिट्टी हमेशा ही हल्की हल्की गीली रहनी चाहिए। तो आप बस इस तरीके से आपका भी एक पुदीने का जैसे मैं बताऊं कि मेरा एक घना जंगल टाइप का हो गया है, ये देखिए आपको लग रहा है ना एक जंगल टाइप का पुदीने का जंगल हो गया है, देखिए इस तरीके से आपका भी फिर जैसे पुदीने का जंगल बन जाएगा एक उसमें। और ये मेरा देखिए ये मेरा कंटेनर है छोटा सा, उसमें मैंने लगा रखा है ये देखिए ये मेरा कंटेनर है इसमें मैंने ग्रो करके रखा हुआ है, और ये देखिए और पुदीने का मेरा बन गया है जंगल, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पत्तियों का साइज़ भी आप देखिए कि आगे जो मेरा वाली बालकोनी में रखा हुआ उसके भी साइज़ इतने पत्तियों का इतना बड़ा बड़ा है, और इसका भी देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज़ है पुदीने का। तो बस यही मैंने आज आपको अपने पुदीने की के बारे में बताना था कि अपने घर में ज़रूर पुदीना लगाएं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ठंडक देता है पुदीना,
तो बस पुदीना इस तरीके से लगाएं, इसकी डंडियां आप लगा लें, या फिर आपको कहीं से कटिंग मिलती है तो उसकी कटिंग लगा लें, कोई फ्रेंड के पास आपका लगा हो तो वहाँ से 2-3 टहनियाँ तोड़ के लाएं और उसको अपने बगीचे में लगा लें। तो इस तरीके का ही पुदीना आपको मिलेगा, जैसे मेरे आगे वाली बालकोनी में लगा और ये पीछे वाली, ये मेरे पीछे जो मेरा बगीचा है उसमें लगा हुआ है, तो दोनों ही जगह मैंने लगा के रखा है। और ये एक फ़ायदा और होता है, तो इसके लगाने से, इसकी खुशबू से हमारे जो हैं यहाँ पर जो हमारे कीट जो होते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं, जो हमारे पौधों को खा जाते हैं, उनको नुकसान करते हैं, वो भी हमारे बगीचे में नहीं आते हैं, और मच्छर वच्छर जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं वो भी नहीं आते, इसकी खुशबू से कोसों दूर भाग जाते हैं। तो इतना अच्छा हमारे बगीचे में और हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है पुदीना। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें मेरी वीडियो को। मिलते हैं फिर इसी तरीके से आपको दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।